गुड आफ्टरनून सभी को। हेलो सोनल, अविनाश, विमल, सभी का स्वागत है। जुड़िए फटाफट, यूट्यूब पे भी सबका स्वागत है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सविता, नीतीश, शानवी, जय हिंद। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जुड़िए फटाफट सभी लोग, सभी लोग जुड़िए। गुड आफ्टरनून विशाल, अंकुश, मृणाली, प्रणव, हेलो। अलकारिया, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अभी मैं देख नहीं रहा था। बढ़िया 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 है आप, तुम कैसे हो? सही हो विवेक, गुड आफ्टरनून। ज्योग्राफी का मैंने आज डाला है, साउंड नहीं आ रहा है, आ रहा होगा साउंड, देखिए इसके। बुलबुल हेलो, साउंड सभी को दिक्कत हो रहा है क्या? साउंड आ रहा है ना? ठीक, दो तीन मिनट वेट करेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर। हेलो चंचला, उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे हम लोग। नसीहत सलमा, जया सिन्हा, कहाँ अभी? हेलो नसीहत, हेलो सलमा, रुचि कुमारी, गुड आफ्टरनून। ये यूट्यूब पे कौन है, आते ही सर डिसलाइक कर देता है, पता नहीं। कोई तूफानी क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, जितने भी मैंने पूछा है ठीक है वही सब क्वेश्चन है, बस एक रिवीजन के लिए आप लोग को ये मैंने दिया है। नीलू जी हेलो। अरे यार कुछ पर्सनल काम भी होता है, तुरंत ब्लेम कर दो तुरंत ही, इग्नोर कर दिए, ये कर दिए। इग्नोर करना होता है ना तो मैं एक्स्ट्रा लेता भी नहीं, मुझे 10वीं क्लास लेना है जेपीएससी में, महीने में 10 ही लूंगा। पहले पता करो उसके बाद बोलो इग्नोर कर दिए तो ये कर दिए, तुरंत ब्लेमिंग शुरू हो जाता है। पर्सनल काम नहीं हो सकता है क्या किसी चीज के लिए? शब्दों का प्रयोग थोड़ा सही तरीके से कीजिए। अनिमेश थैंक यू, हेलो राजेश, मुझे तो 10वीं क्लास कराने हैं, मैं तो फिर भी 20-22 क्लास करा देता हूं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना? यार रेस्ट नहीं, यार काम भी तो रहता है, कुछ काम भी तो होता है। रेस्ट थोड़ी कर रहा था 12 बजे, काम था कुछ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। 4 मिनट हो गए आई थिंक, 1 मिनट और देख लेते हैं, 5 मिनट जैसे मैं देखता हूँ उसके बाद शुरू करेंगे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, आपको मैपिंग से ज़्यादा क्वेश्चन है। गुड आफ्टरनून, इसमें मैंने पहले जो कराया था एक रिवीजन के तौर पर है, कई लोग भूल चुके हैं टेलीग्राम। गुड आफ्टरनून, इसलिए मैंने ये जानबूझकर लाया हूँ ताकि फिर से एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। हालांकि कल मैंने प्लस क्लास में बता दिया था। ठीक है, 15 सेकंड और सर, समझ लीजिए इसको, किसी को नहीं पता विवेक। थैंक यू समरजीत, उसको कंटिन्यू कीजिए असाइनमेंट्स कल सर, सिर्फ ज्योग्राफी का टेस्ट है। एक मिनट, सिर्फ ज्योग्राफी का भी टेस्ट होगा। गुड आफ्टरनून, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 5 मिनट हो गए, कमेंट में कोई आंसर नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, कमेंट में कोई आंसर नहीं करेगा,
और कमेंट में कोई पर्सनल बातें भी नहीं करेगा। यूट्यूब पे भी आप लोग दीजिएगा। हाँ, शाम को 7:30 बजे टेस्ट है फिजिकल ज्योग्राफी प्लस 1857 सभी के लिए, प्लस स्पेशल सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं, एक आध ही नए क्वेश्चन दिखेंगे, ये बस आप लोग के रिवीजन के लिए हैं। आपका मैंने चेक कर आपको रिव्यू दे दिया है या नहीं किया होगा, जो भी है मैंने रिव्यू दे दिया, मुझे याद है एग्जैक्ट नहीं है। मीटिंग आपने वो फिगर नहीं बनाया सभी था, बाकी आपका सही था, आप ही तो है ना। चलिए, वो सबसे मेन फिगर था कि कैसे आपको तरंगे पता कर रही है, कई लोग इसी को स्किप कर दिए हैं, ये सबसे मेन था। चलिए शुरू करते हैं। बास स्ट्रेट किसको किसको अलग करती है? विक्टोरिया तस्मानिया, पापुआ गिनी से तस्मानिया, केप यॉर्क को विक्टोरिया से, ग्रेट बैरियर रीफ को ऑस्ट्रेलिया से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये एक रिवीजन के लिए है, क्विक रिवीजन। मनोज, अविनाश, रवि, नीलू, राजेश, डन। और बीपीएससी 66 को लेकर स्पेशली ये आज का जो क्लास है 66 को लेकर टारगेटेड है। जैसे 66 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्योग्राफी से, खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी से। 21 तारीख को आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, 22 तारीख को स्टार्ट हो रहा है अफ्रीका का मैप, इनरोल कर लीजिएगा, आ गया होगा। मनोज, अविनाश, रवि सबका भी सही है, नीलू, राजेश सबका, केतकी। विक्टोरिया को तस्मानिया से ये अलग करती है, यहाँ पर है बास स्ट्रेट, ये है तस्मानिया और यही पर है बास स्ट्रेट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत नेपाल में स्थित नहीं है? कर लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत नेपाल में स्थित नहीं है? बद्रीनाथ, माउंट एवरेस्ट, मकालू, नंगा पर्वत, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए मुझे रिक्वेस्ट भेज देना, वो टेलीग्राम कर देना, ठीक है ना। देखिए आर्टिकल 14 का इस्तेमाल कर दिया आप लोगों ने, अरे 01 थोड़ी फिर से कर देना, ध्यान नहीं है, दिखा रहा था तो मैं ऐड कर देता आपको। बद्रीनाथ और नंगा पर्वत दोनों कहाँ है? भारत में है, ये दोनों नेपाल में है। ये पहला क्वेश्चन, राइट आंसर एक से अधिक। केवल आज ज्योग्राफी का है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है जो मैं पहले करा चुका हूं, ये बस सालनी क्या, अरे मजाक नहीं, ठीक है चलता। ये जो है आपको उपरोक्त में से एक से अधिक जो है बद्रीनाथ और नंगा पर्वत का है, ये बस एक क्विक रिवीजन के लिए आप लोग को मैंने आज ये क्लास दिया हूं। चलिए, उत्तर से दक्षिण की तरह सजाइए। हेलो मधु, सही बोले, क्या बोले, जय हिंद जय हिंद। निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाइए, थालघाट, सेनकोट्टा, पालघाट, भोरघाट, ये सब आपको पासेज है नॉर्थ टू साउथ सजाने को बोल रहा है। 1234, 1432, 4321, 2413, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हेलो चित्रंजन, चलिए आंसर बताइए, ध्यान से आप लोग बताइएगा, देख लीजिएगा पहले, दिमाग में एक बार दौड़ाइएगा, उसके बाद हड़बड़ी में आंसर मत कीजिए। सभी लोग से कह रहा हूँ यूट्यूब पर भी, यहाँ पर भी, हड़बड़ी में आंसर मत किया कीजिए। मनोज, आनंद, वीरेंद्र, शालिनी, रविशंकर, टॉप 5 फास्टेस्ट फिंगर। बैक क्वेश्चन ये रहा, अभी भी 10 लोग हैं जिसका एक भी गलत नहीं है, खैर आज बहुत कम ही गलत होगा क्योंकि पहले से ये चीजें की गई। 1434 सबसे ऊपर कौन सा है? थालघाट, देन भोर घाट, उसके बाद है पाल घाट, उसके बाद है सेनकोट्टा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सजाने के लिए क्वेश्चन में आता है। आज का जो क्लास है बीपीएससी 66 को टारगेट लेकर है, खासकर ज्योग्राफी को, ठीक है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो बी इज द राइट आंसर। सभी लोग आए जो जो 66 की तैयारी कर रहे हैं, देखिए कि आप लोग का ज्योग्राफी, खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी कितना तैयार है ना, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है।
नीति पास किस राज्य में स्थित है? 100% के लिए बताइए, जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल या अरुणाचल। मनोज, आशीष, कुंदन, अविनाश, आनंद, टॉप फाइव फास्टेस्ट फिंगर, 69%। रेखा वेलकम, प्रीति, मनी, मनीष, हेलो गौतम, जय माता दी, जय माता दी, ज्वाइन। उत्तराखंड में है नीति पास, ठीक है। नीति पास कहां पर है? उत्तराखंड में है। हेलो स्वीटी। तकला मकान रेगिस्तान से किस झील का संबंध है? तकला मकान रेगिस्तान से किस झील का संबंध है? बैकाल, लोपनूर, डेड सी, लेक वॉन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आंसर बताइए, आशीष, वीरेंद्र, शालिनी, रवि एंड अलका, टॉप फाइव फास्टेस्ट फिंगर। यूट्यूब पे भी आंसर बताइए तो इसका। बी बी ठीक है, तकला मकान में है। जी हाँ सही है, यूट्यूब पे भी सभी लोग लाइक कर दीजिए। अभी भी 10 लोग हैं जिसका एक भी गलत नहीं है, सब ये पढ़े हुए हैं, जितने भी बच्चे सब प्लस के बच्चे हैं, एक जया सिन्हा में भी नहीं है, बाकी तो सभी हैं। लोपनूर झील का संबंध तकला मकान रेगिस्तान, तकला मकान कहाँ है, तकला मकान रेगिस्तान कहाँ है बताइएगा, तकला मकान रेगिस्तान चाहिए ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के साथ निम्नलिखित में से किसकी सीमा नहीं लगती है? चीन में के साथ निम्नलिखित में से किसकी सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर बताइए सभी लोग, बुलबुल, वीरेंद्र, राजेश, शालिनी, कोमल। अच्छा ज्यादा लोग समझ गए, फंसे नहीं है ना, मुझे लगा फंस जाएंगे। रॉन्ग टच, ओके, तुम फंसे। ए एंड डी, ए एंड डी की नहीं लगती, उत्तर प्रदेश की भी सीमा नहीं लगती है, नागालैंड की भी सीमा नहीं लगती है। अच्छा कर दिए गलती, शालिनी, रवि एंड टी के रावत, फंस गया। किस क्वेश्चन में गलत हुआ, इसमें ध्यान दिया नहीं होगा नागालैंड। चलिए राजेश, अलका, मनोज, इंदु, जया, चंचला, सुमित, शालिनी, रवि एंड टी के रावत, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन फंसाता है। उत्तर प्रदेश और नागालैंड की सीमा नहीं टच करती है किससे, चीन से, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। टोरेस जल संधि, टोरेस स्ट्रेट किसको किसको जोड़ती है, टोरेस स्ट्रेट किसको किसको जोड़ती है? अराफुआ सी को तस्मानिया सी से जोड़ती है, तस्मान सी को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ती है, अराफुआ को कोरल सी से जोड़ती है, या पैसिफिक को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ती है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी लोगों का स्वागत है जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, बुलबुल, रविशंकर, शालिनी, राजेश एंड कोमल। फटाफट फटाफट, कहां बारिश हो रही, हसनपुर, तुम हसनपुर हो अभी, आसाम में है 7:30 बजे ट्रेस्ट, हसनपुर मार्केट, मार्केट में हो। आराफुआ को कुरोल सी से गांव जोड़ती है ना, टोरस स्ट्रेट। अच्छा आपका पहला टाइम है, ठीक है, इसको देखिएगा। देखिए आज का जो भी जो क्लास चल रहा है ना, ये स्पेशली 66 को लेकर है,
और खासकर ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें, उसके रिगार्डिंग कितना आप लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी रेडी है, कितना आप लोग 7-8 क्वेश्चन के लिए रेडी है। सैक्रामेंटो नदी किन दो श्रेणियों के बीच बहती है? कोस्ट श्रेणी, कास्केड श्रेणी। कोस्ट श्रेणी सिरिया नवेदा श्रेणी, रॉकी रेंज अलास्का रेंज, अलास्का रेंज कास्केड रेंज, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और चूंकि ये पहले से मैंने ये सब क्वेश्चन करा रखा है, जो भी कमेंट में आंसर कर रहे हैं, कमेंट में आंसर मत कीजिए। जी हाँ, कमेंट में आंसर मत कीजिए जो भी कर रहे हैं। हेलो संजीव, कोस्ट रेंज और सिरिया नवेदा रेंज जो है, सैक्रामेंटो नदी आपको वहां से बहती है। 7:30 आज 7:30 बजे शाम में भी टेस्ट है, आइएगा। स्पेशल में मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता उन्हें। 7:30 PM टॉपिक है 1857 की क्रांति एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ची हुआ हुआ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चांदी, सोना, लोहा, हीरा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्लस में मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, 7:30 बजे हिस्ट्री और 10 बजे ज्योग्राफी, क्योंकि आज टेस्ट है, आज हिस्ट्री क्लास नहीं है, ज्योग्राफी की क्लास है। ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे आज हम लोग, कल हम लोगों ने गंगा खत्म कर दिया, आज ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे। कमेंट में आंसर मत कीजिए फिलहाल, स्टार्टिंग में ही इंदु, कोई हिंट नहीं, सेकंड के बाद कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मत कीजिए। सानवी आपको भी बोल रहा हूं, पहले मत किया कीजिए, हिंट मिल जाता है। ना ना, एकदम हिंट नहीं है। राजेश, अलका, मनोज, जया, चंचला, इंदु, सुमित, उसके बाद एक एक प्रश्न गलत हुआ है, शालिनी, अलका एंड तान्या। चांदी कहां पर है? ची हुआ हुआ मैक्सिको में है, ठीक है, और वहां पर मेरा दो अच्छा गलत, तो वहां पर चांदी सिल्वर का आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। गंगा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? लेंथ सबसे ज्यादा गंगा की किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, कल ही बताया था इसको। देखिए लड़के जितने तेजी से बढ़े थे उतने तेजी से कम हुए। जुड़िए, कम से कम क्वेश्चंस देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं, तुरंत स्किप करते हैं बच्चे। दिखाने कितनी बार बोला है, दिखाने का छोड़िए, दिखा कितना रहा है वो मतलब नहीं, उतने होते थोड़ी, वो होता है कि लड़के उतने आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी फिलहाल 153 जुड़े थे, लगभग 180-82 लाइव हो गया था। गंगा की सबसे अधिक आपको उत्तर प्रदेश में है। सब प्रीवियस का क्वेश्चन है, नहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, वो तो है ही मिक्स, मैंने जो जो करा दिया है ना वो, ये आज मैंने रिवीजन के लिए लाया, क्योंकि मैं देख रहा था कई दिनों से कि मैपिंग में बहुत क्वेश्चन गलत हो रहा है बच्चों का, मतलब भूल गया लगता है मैपिंग, तो इसलिए मैंने सोचा पहले ही बता भी दिया था कि एक दिन मैपिंग का केवल कराऊंगा, वो भी सिर्फ प्रीवियस ही रहेगा। चलिए आसान सा प्रश्न है इसको, चलिए नया प्रश्न है। किन दो देशों के बीच देशांतरीय दूरी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस सबसे ज्यादा है? नाइजर चाड, माली चाड, गैबोन, कॉन्गो, इजिप्ट, सुडान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये प्रश्न में धराशायी होंगे सभी, देखिएगा कैसे।
अनंत, अविनाश, नीलू, शालिनी, कोमल। देखिए आर्टिकल 14 का इस्तेमाल कर दिया, कहा था ना। ये क्वेश्चन नहीं था, इस तरह का क्वेश्चन था, क्वेश्चन चेंज है। मैप याद रखना थोड़ी है, सबको याद हो गया आई थिंक। अच्छा कॉपी लेकर नहीं आई हो, कोई बात नहीं, अभी भी 6 लोग हैं जिसका एक भी गलत नहीं है। देखिए इस पे धराशायी हुई ना, अलका जी हो गई। ठीक है, माली और चार का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एक मिनट मैं मैप पे दिखा देता हूँ। मैप याद थोड़ी करना होता है, मैप पढ़ना होता है, दोनों में अंतर है। जैसे मैथ, मैथ को भी याद नहीं कर सकते हैं, उसको भी पढ़ ही सकते हैं। अफ्रीका 22 तारीख से, देखिए क्वेश्चन यही पूछ रहा था, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। तो देखिए माली का चार से कितना दूरी है, ये दोनों नजदीक है। इजिप्ट सूडान तो लगभग एक ही देशांतर पे स्थित है, और गैबोन और कॉन्गो था ये भी लगभग एकदम पास है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस माली और चाड के बीच में है, समझ रहे हैं इस चीज को। जिसको आप याद होगा इसका देश का लोकेशन वो भी कर दिया होगा। ठीक है संजीव, ईएमआई से कर सकते हैं। अच्छा हाँ, आप लोग के लिए ये है कि एचडीएफसी का जो डेबिट कार्ड था ना, ईएमआई वर्किंग करने लगा है। एचडीएफसी का डेबिट कार्ड वर्किंग करने लगा है, आप उससे कर सकते हैं। कल ही पता चला कि वो करने लगा है। बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध वाइपा कहाँ स्थित है, उत्तर ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया या मध्य ऑस्ट्रेलिया, वाइपा कहाँ स्थित है। चलिए अभी मैं बता देता हूँ कैसे प्लस ज्वाइन कीजिएगा, कैसे टारगेटेड बैच को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है संजीव या फिर अदर जो भी हैं, आप लोगों को बस यही सजेशन देना चाह रहा हूँ कि जल्द से ज्वाइन कर लीजिए, देर मत कीजिए। क्योंकि इसके दो नुकसान हो सकते हैं, एक तो आपके हो सकता है कि स्टडी लेट से स्टार्ट हो, दूसरा है कि फी अगर बढ़ जाए तो आपको फी भी ज़्यादा पेड करना पड़े। आज एमपी का बढ़ गया है, आज 10 तारीख है ना, आज एमपी का बढ़ गया है। अब यूपी और बीपीएससी के बारे, अभी आपने मेनका पढ़ा नहीं है इसीलिए आपकी गलत, आपका गलत हो रहा है। राजेश, मनोज, जया, चंचला, इंदु, सुमित, फी नहीं बढ़ेगा, एमपी का बढ़ गया है, जाकर प्रोफाइल में देखिएगा। सुमित, शालिनी, अलका, तान्या एंड अलका, जेपीएससी का बढ़ चुका है, यूपीएससी का बढ़ चुका है, आज एमपी का बढ़ा है, अब जो है बीपीएससी यूपीपीसीएस का डेट नहीं पता है कब बढ़ा है, कब बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। उत्तर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, मैं मैप ही बता देता हूँ, ये है वाइपा, है ना, यही लोकेशन है ना वाइपा का। फिगर याद है, वेरी गुड। इस्तांबुल को एशिया के तुर्की से कौन सी जल संधि यानी स्ट्रेट अलग करती है, इस्तांबुल को एशिया के तुर्की से कौन सी जल संधि अलग करती है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ ओटोरेंटो, मेसिना स्ट्रेट या डार्ड डेनल्स स्ट्रेट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए बैचेज स्टार्ट होते रहते हैं, बंद होते रहते, स्टार्ट होते रहते, कंप्लीट होते रहते हैं, बैच का वेट मत कीजिए। पर्सनल भी क्लासेस होते हैं, धराशाई, वाह वाह वाह, क्या रिवीजन किए हैं लोग आठ, ये तो कुछ, मुझे तो उम्मीद नहीं था कि इसमें धराशाई होंगे, इसी में धरा, देखिए शालिनी कितनी खुश है धराशाई होकर। में डाउट है, क्या डाउट है बताइए। पढ़िए, क्लास आइए। हाँ डाउट है क्या है, यही दोनों तो है,
ए और डी नहीं, ए एंड डी, ठीक है जी हाँ, एकदम अंदर से 35 फीट की गहराई से पूछा गया क्वेश्चन है ये, ए एंड ए, इसमें से एक से अधिक, क्लियर। ड्यूटी से ही, अच्छा ड्यूटी पे हो, ए लगाया था, ये पढ़े नहीं है आप लोग, दोनों स्टेट साथ साथ लिखवाया था ऊपर नीचे, और लिखवाया भी था कि इस्तांबुल को आपको एशिया के तुर्क, एशिया को तुर्की से अलग करती है इस्तांबुल को, सब लिखवाया तो है कॉपी में, गलत लगाए थे ना। चलिए आया तूफानी क्वेश्चन, भोपाल से कौन सी राजधानी नजदीक है? लखनऊ, जयपुर, रायपुर, गांधीनगर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से देख। चलिए शालिनी रागिनी, वाह शालिनी रागिनी, सोनल, निकिता, सांडवी, आर्टिकल 14 का इस्तेमाल, अभी एस जिसका टॉप 5 में आता है उसका नाम बता दिया मैंने, मोनिका गुप्ता, क्या आपको चिट्ठी लिखूं? कमेंट में आंसर नहीं करना, कितनी बार आपको बताया है कमेंट, आप तो पुरानी स्टूडेंट है फिर क्यों कर रही है। जयपुर सबसे नजदीक है, 500 समथिंग किलोमीटर है, बाकी सब 600 से ऊपर है, ठीक है, ये है भोपाल से नजदीक। सलमा ये मैप का क्वेश्चन है सर, हाँ जी मैप का, और किस चीज का क्वेश्चन, मैप का ही तो है, रिफ्रेश कीजिए। उत्तर अमेरिका में स्थित मोजावे रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलीज, अल सल्वाडोर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अरे यार ये क्यों 33% किया आप लोग? देखिए जिसका भी गलत हो रहा है या जो नए बच्चे हैं उनको अभी भी लगता है कि ज्योग्राफी वगैरह में दिक्कत है तो जुड़िए मुझसे। जया, अच्छा केवल अब जया बची हैं, बाकी सबका गलत हो गया है। चंचला आप तो प्लस पे भी नहीं है जया, बहुत अच्छा आंसर कर रही है फिर तो। राजेश, मनोज, अलका, अविनाश, वंदना, पीहू, सुमित और इंदु, यूएसए में है ना, यूएसए के किस छोर पे बताइएगा तो। अच्छा प्लस में है, वन मतलब किस छोर पे है, 1 2 3 4 किस पे है बताइए तो, 1 जी हाँ वेरी गुड, पश्चिमी छोर पे है। बलकस झील, बलकस झील लेक, अच्छा किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, ईरान, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मनोज, अविनाश, आशीष, रवि एंड सोनल, टॉप 5 फर्स्ट फिंगर 14। सोचिए ये सब मेरा क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन अभी तक एक प्रश्न में नहीं आया जिसमें 80% से ज्यादा लोगों का सही हुआ, ये बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन है, होना नहीं चाहिए। लीडर बोर्ड देखिए, नहीं प्लस के भी बहुत स्टूडेंट है, मैक्सिमम तो प्लस के स्टूडेंट है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में है बल्कि, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके यूपीपीसीएस में ही पूछा हुआ है। आप न्यू हैं, कई लोग न्यू हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई न्यू नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि
मैक्सिमम प्लस के स्टूडेंट, थ्री गॉर्ज डैम किस नदी पर स्थित है? नंबर नहीं मिल सकता, देखिए अभी मैं बता देता हूं, नंबर की जगह आप क्या कीजिएगा, क्योंकि नंबर अलाउ नहीं है, आप मेरे प्रोफाइल पे जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करने के बाद मैसेज का ऑप्शन आएगा, पहले से ही फॉलो कर लिए हैं तो मैसेज कर दीजिएगा हाय हेलो करके, मैं आपको यहां से देख लूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। अभय प्रताप 01 इज द कोड, जियो पढ़े ही नहीं है तो जियो पढ़ लीजिए। थ्री गॉड्स डैम किस नदी पर स्थित है? के सियांग नदी, यांगकियांग नदी, एनिसे नदी या होंगहो रिवर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से देखिए, यांगकियांग, एनिसे, होंगहो, नाम ही अजीब अजीब। यूट्यूब पे भी इसका आंसर दीजिए सभी लोग, 65%। देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, अभी भी टॉप 10 लगभग वही है। गूगल की है, गूगल ओब रिवर का संबंध कहां से है? उत्तर एशिया, दक्षिण एशिया, उत्तर अफ्रीका, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी भाग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लीन बोल्ट 31%, ओब रिवर भूल गए सभी। जया, मनोज, राजेश, अविनाश, वंदना, पीहू, चंचला, इंदु, अलका एंड सुमित ओब रिवर भूल गए हैं। ये रहा ओब रिवर, दिख रहा है ना, देखिए ओब लिखा हुआ है, उत्तर एशिया में स्थित है। ये कैसे भूल जाएगा, मैप में खोज नहीं पाया था। अच्छा मैप में खोज नहीं पाई था, यही होता है, याद करने पर होता है। जुआंग जनजाति का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? मैं नहीं दिख रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, लड़के घटकर हो गए हैं 126 यही होता है। जुआंग जनजाति का संबंध किससे है? बताइए तो आंसर, रविशंकर, अविनाश, पुष्पलता कुमारी, मनोज एंड लेखा कुजूर। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। पोल सही है, एकदम सही है पोल, इसको पढ़ाया भी तो है। बताया था ना कि इस जनजाति के एक व्यक्ति को मार दिया गया था, ये बहुत सारे बच्चे को पहाड़ पर मिला था, उड़ीसा के पहाड़ पर, लाइटेड लाइमलाइट में था काफी। अल्तुनसान माउंटेन किस देश में है? अल्तुनसान माउंटेन हो गया, अल्तुनसान माउंटेन किस देश में है? मंगोलिया, फिनलैंड, इराक, रूस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अविनाश, इंस्पेक्टर सतीश, अनु, शालिनी, राजेश, शेफाली, संजीत, जया, अंशु, पीहू, विशाल, मोना एंड खुशबू, सभी लोग सही हो गए। नमस्ते नमस्ते।
विकास कैसे काम चलेगा? जया राजेश, पीहू मनोज, अविनाश, वंदना, खुशबू, अलका, चंचला एंड इंदु, कहाँ पर है ये? जी हाँ, प्रीवियस क्लास में चाइना। अल्तुनसान तो फेमस पहाड़ है, कोई अननोन पहाड़ थोड़ी है, चर्चा में भी रहता है अल्तुन, चाइना में है। पता नहीं, एशिया नहीं पढ़े हैं आप अजीत? एशिया पढ़ चुके हो ना? एशिया तो सभी लोग पढ़े हैं शायद। आप क्यों खुशबू नहीं पढ़ी है? आप तो बहुत पहले से ही हैं। सोनल आप क्यों नहीं पढ़ी है? आप भी बहुत पहले से हैं। केतकी आप भी तो बहुत पहले से हैं। आप लोग के रहते हुए तो एशिया पढ़ाया है, एशिया तो सबसे लेटेस्ट पढ़ाया था मैंने। नहीं, मैं जू गुड आफ्टरनून राहुल, तो एक ही बार ना पढ़ूंगा। ए भगवान, हर चीज मैं ही लिंक सेंड कर दूं? थोड़ा मेहनत कर लो यार, मेरे प्रोफाइल में जाओगे तो अपकमिंग कोर्स में दिखाएगा। आप लोग ये नहीं समझते हो कि आप बोल तो देते हो कि सर ये भेज दीजिए वो भेज दीजिए, आपको लगता है कि मैं एकदम फ्री बैठा रहता हूँ कि अब कोई सी स्टूडेंट का मैसेज आएगा तो उसको रिप्लाई करूंगा। अरे मैसेज आए एकदम रिप्लाई करो, ऐसा थोड़ी होता है यार। बहुत बिजी शेड्यूल होता है, खाना खाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है कि चलो 1 घंटा बचा हो खाना वाना खा लेते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए खुद से, एकदम नहीं मिल रहा है तो फिर मैं हूं ही। जी आनंद, ठीक है। अल्तुनसान माउंटेन आपको चाइना में स्थित है तो थोड़ा खोज लीजिए, सीधे मेरे प्रोफाइल में जाइएगा, अपकमिंग कोर्स में दिखाएगा। बिहार का भी आ गया, बिहार 2 अक्टूबर से जो हो रहा है ना, बिहार स्पेशल, उसका भी आ गया, वो भी एनरोल कर लीजिए। अभी जस्ट आया, मैसेज आया मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का भाग नहीं है? क्या नहीं बात, देखिए सब बिजी, सब कोई होता है, स्टूडेंट भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, ऐसा थोड़ी है कोई कोई फ्री थोड़ी बैठा है। लेकिन वही है कि थोड़ा खुद से खोजिए, नहीं मिलेगा तो फिर मैं दूंगा, एकदम नहीं मिलेगा तो। कई बच्चे तो उसी में से लिंक खोजकर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लिए हैं, कई बच्चों को नहीं मिलता है। अरे पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा है उधर। तुम्हें नहीं बोल रहा है क्यों भड़क जाते हो? जया राजेश, पीहू मनोज, अविनाश, वंदना, खुशबू, अलका, इंदु, चंचला। उदय प्रकाश, जब बोल रहा हूं कि वो तुम्हें नहीं बोल रहा है तो कमेंट बंद करो, ठीक है। वो जनरल वे में बात कर रहा था, वो खुद हम अनएम्प्लॉयड है अभी। लापास का कोई संबंध नहीं, लापास कहाँ है, कहाँ पर है बताइए? यूरोप, यूरोप में है, बोलविया है ना, कहाँ पहुंच गए बोलविया। ये देखिए, चलिए बोलविया की राजधानी। सुंडा स्ट्रेट किसको किसको जोड़ती है? सुंडा स्ट्रेट किसको किसको जोड़ती है? जावा सागर को हिंद महासागर से, सेलेबस सागर को जावा सागर से, प्रशांत 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट, 1 मिनट मैं पोल दे देता हूँ।
जया, राजेश, मनोज, अविनाश, वंदना, पीहू, खुशबू, अलका, इंदु एंड चंचला। जावा को हिंद महासागर से जोड़ता है। कौन सी अरब सागर के नजदीक है? इसमें से कौन सा है अरब सागर के नजदीक, हिंदू कुश, पश्चिमी तट, काराकोरम या पूर्वी घाट? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सदी। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, अविनाश, रवि, आनंद, सोनल, अनु। ध्यान, डन डन। अब इससे आसान सवाल क्या होगा? बताइए आप ही लोग। राजेश, जया, देन मनोज, अविनाश, वंदना, पीहू, खुशबू, अलका, इंदु एंड चंचला। पश्चिमी तट सबसे नजदीक है अरब सागर के ही तो तट पे है, ये है पश्चिमी तट। आपको हिंदू कुश यहाँ पर है, काराकोरम यहाँ पर है, पूर्वी घाट यहाँ पर है। मेरे लिए आसान नहीं है, ये आसान क्वेश्चन ही है। इसमें क्या टफ है, पश्चिमी घाट नहीं पता कहाँ पर है? ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ प्लस के बारे में, कैसे ज्वाइन करें, कैसे कोर्सेज को पढ़ें। एक मिनट, हाँ देखिए मेरी जो क्लासेस है, मैं पहले अपनी क्लासेस के बाद, मैं बीपीएससी और जेपी, कोई है इसमें जो जेपीएससी की तैयारी कर रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम। बीपीएससी और जेपीएससी की तैयारी कर रहा है साथ साथ, साथ साथ नहीं, केवल जो जेपीएससी की तैयारी कर रहा है। देखिए जेपीएससी में बता दूं कि जेपीएससी में 5:30 से चलता है मेरा फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है बीनू, आप जो जेपीएससी करो तो 5:30 से 6:30 मेरा फिजिकल ज्योग्राफी वहाँ चल रहा है। और कल जो इम्पोर्टेंट, आज तो नहीं है, आज बच्चों ने छुट्टी मांग लिया था, कल जो है इम्पोर्टेंट इसमें क्लास चलेगा वो है आपको टेक्टोनिक थ्योरी, कैसे आपको चीज़ें घटित हुई, कैसे रॉकी पर्वत बना, कैसे हिमालय बना, कैसे ज्वालामुखी आता है, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर कल से स्टार्ट होगा, ये मैं मेरा जेपीएससी में। देन बीपीएससी में मैं पढ़ाता हूँ रात को 10 से 11 PM इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ पर आज हम लोग ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे, सिंधु गंगा पढ़ लिए हैं, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 7:30 से 9 PM तक चलता है हिस्ट्री। यहाँ पर आज क्लास नहीं है, आज चूंकि टेस्ट है, आज क्लास नहीं था तो उसकी जगह मैंने टेस्ट लगा दिया है। यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिश की नीतियाँ वगैरह, कल हम लोग शिक्षा नीति पढ़ेंगे, नहीं सामाजिक सुधार आंदोलन अभी पढ़ रहे हैं, उसको खत्म करके शिक्षा नीति पढ़ेंगे। ये तो मेरा हो गया। बैचेस की बात कर लो, 7 तारीख से एक बैच स्टार्ट हुआ है दरोगा 66 को लेकर, ये सॉरी दरोगा को लेकर 2200 जो पोस्ट है ना वो, एक 4 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है 66 को लेकर जे बीपीएससी, और एक 8 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है 66 को लेकर इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है। बाकी बैचेस और भी आएंगे लेकिन टाइम मत गवाइए, मैं यही बोलूँगा कि बैचेस आएंगे। आप एक बैच में एडमिशन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल बैच में ही पढ़ सकते हैं, आप इसमें भी पढ़ सकते हैं। मेरे कोर्सेज में जो आप ब्रह्मपुत्र स्टार्ट है आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरे तरह अन्य एडुकेटर जितने भी हैं उनके भी प्रश्न कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये जो है यहाँ पर सभी के क्लासेस कर सकते हैं। कोई इंक्वायरी होगा एडमिशन से रिलेटेड मेरे प्रोफाइल में जाइएगा, वहाँ फॉलो कीजिएगा, फॉलो करने के बाद आपको मैसेज का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर आप मैसेज कर दीजिएगा, हाय हेलो कुछ भी कीजिएगा, मैं देखूंगा और आपको रिप्लाई कर दूंगा। कोड है अभय प्रताप 01। फी कितना लग रहा है बता देता हूँ आपको, कोड यहाँ पर डालना है अभय प्रताप 01, जो कि मेरा कोड है विदाउट स्पेस, डालकर अप्लाई करना है। 3 मंथ का कोर्स होगा 3150, केवल पीटी के लिए करना चाह रहे 90 डेज में आप किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं। ये
सिक्स मंथ चूंकि नहीं बताता हूँ क्योंकि उससे अच्छा है 1200 एक्स लगाकर एक साल का ले लीजिए 6300। ये अप्लाई करने के बाद है, इसमें सब बेस्ट है, इसमें आप पीटी मेंस कर सकते हैं, 66 बीपीएससी सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ रही है वो कर सकते हैं, दरोगा की जो वैकेंसी आई है वो कर सकते हैं, इसमें सब हो जाएगा 6300 में सब कुछ हो जाएगा। 24 मंथ जो नए हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं या जो पढ़ाई बहुत दिन बाद शुरू कर रहे हैं फिर से उनके लिए है। 1200 इसमें भी एक्स्ट्रा लग रहा है, सेम चीज़ें हैं। ये सबसे बेस्ट कोर्स है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये लेने के लिए, ठीक है। और इसमें फ़ी बढ़ने वाला, जैसे मैंने आपको बताया है, आज एमपी का बढ़ा है फ़ी, बीपीएससी का कब बढ़ेगा ये आइडिया नहीं है लेकिन बढ़ेगा ये आइडिया है। ये आपको 8000 शायद हो जाएगा, ये आपको 11300 के आसपास, और बीच में एक 18 मंथ का भी कोर्स आएगा, वो आपके बीपीएससी के प्रोफाइल में जाएगा, वहाँ सब लिखा हुआ है। तो कब से ये आपको होगा, लागू होगा ये नहीं पता, लेकिन लागू होगा जल्द ये पता है, ये भी बढ़ेगा। तो लेने के लिए आप लोग ले लीजिए, लेट मत कीजिए कि 21 या 22 या 24 से स्टार्टअप है, उतना वेट मत कीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैसेज कर दीजिएगा, कोई इशू हो दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा आप लोग, चलिए ठीक है। जेपीएससी में भी फ़ी थोड़ा बढ़ा हुआ है, वहाँ पर जो फ़ी है यहाँ 7000 लगता है, सॉरी 5700 लगता है, यहाँ 7000 लगता है और यहाँ पर लगता है 12800 डिस्काउंट के बाद की बात कर रहा हूँ, चलिए ठीक है। सभी एजुकेटर्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास छूट गया तो आप इसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं, किसी भी टीचर के पीडीएफ को देख सकते हैं, सब कुछ। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन किससे संबंधित है, भूमिगत जल, पहाड़, पर्वत नुमा संरचना, सोने की खान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुमित, केतकी, विनाश, रवि एंड राजेश, भूमिगत जल कहां पर है बताइए, तो कहां पर है ये, ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये। काला सागर ब्लैक सी से किस देश की सीमा नहीं लगती है, काला सागर यानी ब्लैक सी से किस देश की सीमा नहीं लगती है, यूक्रेन, तुर्की, जॉर्डन, बुल्गारिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोड बताया हुआ है इसका, शॉर्टकट आंसर बताइए यूट्यूब पे बताइए सभी लोग। रूर बीजीटी, जी हाँ, जया, मनोज, राजेश, अविनाश, वंदना, पीहू, खुशबू, अलका, इंदु एंड चंचला। जल्दी क्यों करते हैं, रूर बीजीटी, जॉर्डन है ही नहीं, जय है ही नहीं बीच में। पश्चिमी भारत का जल विभाजक किसे कहते हैं, पश्चिम भारत का जल विभाजक किसे कहा जाता है, विंध्य, अरावली, हिमालय, नीलगिरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर बताइए सभी लोग यूट्यूब पर भी, क्वेश्चन नंबर 26 का। सुमित, बिहार गौरव, रितेश, टीके रावत एंड सोनल, जी हाँ सही है सबका, अमन, दीपिका, अरावली पर्वत श्रेणी पश्चिमी का जल विभाजक है ना, बाद में बता दूंगा। लौटता मानसून कहां पर वर्षा कराती है, जो मानसून लौटती है ना, लौटती मानसून या लौटता मानसून कहां पर वर्षा कराती है, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कुंकन तट या कर्नाटका तट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर बताइए सभी लोग,
क्वेश्चन नंबर 27 यूट्यूब पर भी। सेवेंटी 71%, वेरी गुड। हेलो काजल, तो गलत मार दिए थे, बहुत बढ़िया। जया, मनोज, राजेश, वंदना, खुशबू, अविनाश, अलका, पीहू, इंदु, सुमित। कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल कहलाता है, ये है ना, ये मालाबार, ये उत्तरी सरकार, ये कोंकण, ये कर्नाटक, तमिलनाडु के पास के तट को कहते हैं। टोंगल सैप किस देश में स्थित है? टोंगल सैप किस देश में स्थित है? चीन, कंबोडिया, तुर्की, रूस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मनोज, अविनाश, राजेश, शालिनी एंड केतकी। डन डन डन। अभी भी टॉप 10 में लगभग वही स्थान दिख रहा है मुझे। जया, मनोज एंड राजेश टॉप 3 में है, देन वंदना, खुशबू, अविनाश, अलका, पीहू, इंदु एंड सुमित। कंबोडिया क्या है ये, थोड़ा बताइएगा मुझे क्या है? लेक है, आपका नेट के कारण लेक है। इसको कौन सी नदी से संबंधित है यह लेक? मेकोंग रिवर, ठीक है। इसको ये सबसे फर्स्ट लिंक दिए हैं, वो खुल नहीं रहा है, उसको ओपन कीजिएगा, वो खुलेगा। ऑन ऑफ करके खोलिएगा ना, अपने मोबाइल को ऑन ऑफ करके खोलिएगा। ये आपको सबसे लंबी नदी मानी जाती है, किस क्षेत्र की सबसे बड़ी झील? सर मेरी उंगली के कारण क्या हो गया उंगली? साउथ ईस्ट एशिया की सबसे, जी हाँ, सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है टोंगल सैप, कंबोडिया में है, मेकोंग रिवर से इसका संबंध है। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, अब फिर से जब एशिया पढ़ाऊंगा तो भी ध्यान रखिएगा, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा। अब जब मैंने अमेरिका पढ़ा दिया है, साउथ अमेरिका पढ़ा दिया है, अब वो फिर से नहीं पढ़ाऊंगा पीटी के पहले। अफ्रीका शुरू होने वाला 22 से, फिर उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैप ही थोड़ी पढ़ा दे रह जाऊंगा। देला गोवा की खाड़ी का संबंध किससे है? मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, लीबिया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। रविशंकर, केतकी, सोनल, सलमा एंड मिर नालिनी। ये नहीं पता। जया, राजेश, वंदना, देन खुशबू, देन मनोज, देन अलका, देन पीहू, इंदु, अविनाश एंड चंचला। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो वहीं पर है, देलागोवा की खाड़ी, ठीक है। चलिए, हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध, महानदी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। भाई मेरे क्लास में टॉप 10 आना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, एक गलती हुआ पीछे खसक गए, खासकर जो शाम का टेस्ट होगा। सब पढ़कर आते हैं ना, एक गलती सीधा 20-25 रैंक पीछे। क्यों, क्या हुआ सलमान, इतनी खुश क्यों हो? हेलो वीरेंद्र, नहीं नहीं प्लस पे नहीं है, स्पेशल पे ही। आज टेस्ट है, उस समय स्पेशल क्लास होता है, प्लस क्लास होता है, टेस्ट है।
हाँ एकदम सही बोल रहे हो। खिसक खिसक कर नीचे खिसकते हो। महानदी का संबंध हिमालय क्षेत्र से नहीं है ना, पहले हम लोग कर चुके हैं। डरबन कहाँ स्थित है? आज है 7:30 बजे, फिजिकल ज्योग्राफी प्लस 1857 की क्रांति। डरबन कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर के तट पर, हिंद महासागर के तट पर, कोरोल सागर के तट पर, प्रशांत महासागर के तट पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मनोज, रवि, राजेश, सुमित एंड नालिनी। अच्छा अच्छा लगता है, किया कीजिए, रेगुलर किया कीजिए। ठीक है, मत रोइएगा। अभी भी है जया, राजेश एंड खुशबू। मनोज नीचे आ गए, देन मनोज, वंदना, पीहू, अविनाश, अलका, इंदु, चंचला। ठीक है, कहाँ पर है? महेश वर्णवाल में इतना डीपली नहीं है मैप, ये तो मैप का नॉर्मल क्वेश्चन मैंने बताया अभी। हिंद महासागर, हिंद महासागर में आपको स्थित है डरबन। ठीक है, साउथ अफ्रीका में पैसेंजर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? सिंधु, झेलम, यहां पर है डरबन। और यहाँ हिंद महासागर है, यहां से अटलांटिक महासागर शुरू हो जाती है केपटाउन से, और यह हिंद महासागर, यहीं पर आपको दोनों का मिलन स्थल भी है, केप ऑफ गुड होप्स के पास। चलिए इसको बताइए तो। मनोज, अविनाश, शालिनी, अविनाश एंड, अच्छा मनोज आशीष है, सॉरी, शालिनी, अविनाश एंड केतकी। ये तो आसान था, झेलम की सहायक नदी है ना, किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। विषुवत रेखा इक्वेटर किस देश से नहीं गुजरती है? बताइएगा तो, इक्वेटर किस देश से नहीं गुजरती है? चिली, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दीक्षा, राजेश, अलका और प्रवीण, एनी। ये रहा आर्टिकल 14 का इस्तेमाल, कोई आप लोगों से सीखे। मैं मैप से पढ़ाता हूँ, एटलस से पढ़ाता हूँ, फंस गई। सभी लोग फंसे हैं, क्यों? ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में? जया, राजेश, वंदना, पीहू, खुशबू, मनोज, अलका, चंचला, इंदु एंड अविनाश। कोलंबिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है। इनमें से कौन सी श्रृंखला, इनमें से कौन सी श्रृंखला उत्पत्ति और संरचना के दृष्टि से ग्रेट हिमालय से संबंधित है? इनमें से कौन सी श्रृंखला उत्पत्ति और संरचना के दृष्टि से महान हिमालय से संबंधित है? काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए रविशंकर, गलत नहीं होना चाहिए आपका। मनोज, आशीष, रवि, तान्या, रितेश। नहीं अभी नहीं, सबको याद है। नहीं, तुम थी नहीं क्लास में, क्लास में नहीं थी, कुछ रीजन्स था इसीलिए मैंने पूछ बोला उसको। जया, राजेश, वंदना, पीहू, खुशबू, मनोज, अलका, चंचला, इंदु, रविशंकर, जो क्लास में थे वो समझ गए क्यों बोल रहा हूँ। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी जो है आपको है तो वैसे, अच्छा
रामलाल जी भी थे। रामलाल जी तो अब नहीं आते हैं, बिजी हुए हैं बेचारे। आपको ग्रेट हिमालय से यह संबंधित है, लेकिन ये ग्रेट हिमालय में आपको है, लेकिन कहाँ पर, ये ट्रांस हिमालय में। लेकिन ग्रेट हिमालय से संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से ग्रेट हिमालय माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन यूरेशियन प्लेट पर स्थित है? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मनोज, सुमित, अविनाश, आशीष एंड रविशंकर, टॉप 5 फास्टेस्ट फिंगर, 71% सही। शाम को 7:30 बजे आइएगा। अभी एक क्वेश्चन और है, अभी भी वही है स्कोर। ट्रांस हिमालय में स्थित है यूरेशियन प्लेट। लास्ट का क्वेश्चन है, मेवाड़ के पठार को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? राजपिपला, हड़ौती, मालवा, देवासी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मनोज, सुपरफास्ट, राजेश, रविशंकर, शालिनी एंड सुजाता सिंह। देखिए 90% क्वेश्चन मैंने रिपीटेड पूछा है, फिर भी ये स्थिति है बच्चों की। डन डन डन, वेरी गुड। फाइनल स्कोर है क्या, बता देते हैं। डन सोनल, पीयू। फाइनल स्कोर आज का रहा वो है, जया सिन्हा पहले नंबर पे, देन राजेश, देन वंदना, 1 2 3, देन पीहू, खुशबू, मनोज, अलका, चंचला, रविशंकर, अविनाश। आज 36 क्वेश्चन था, तो जया को मिलता है ऑनलाइन टॉफी, मुबारक। खाइए और दोस्तों खिलाइए, ठीक है, बाय। इतनी खुश क्यों रहती हैं आप? किसी को जुड़ना है तो इस कोड से जुड़िएगा, सभी लोग से यही है कि इस कोड से जुड़िएगा। और कैसे जुड़ना है आप लोगों को बता दिया मैंने, कोई कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पर आप मुझसे मैसेज कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, डायरेक्ट अगर आप कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। जी हाँ, 7:30 बजे टेस्ट है, जेपीएससी नहीं है। 7:30 बजे टेस्ट है, वो है जो आपको 1857 की क्रांति एंड फिजिकल ज्योग्राफी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। 7:30 बजे और 9 से 10 से 11। ये 0-1, चलिए, थैंक यू। यूट्यूब पर भी जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।